तो जैसा कि देख रहे हैं, इसको ऑफिशियल वेबसाइट से हम नोटिस डाउनलोड कर चुके हैं। बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत से यहाँ पर न्यू वैकेंसी और भी निकल के आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम नोटिस डाउनलोड कर चुके हैं। इसका जैसी वेबसाइट पे चलेंगे बिहार विधानसभा का, ठीक है, बिहार विधानसभा का जैसी वेबसाइट पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए चार गो अलग अलग यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। अलग अलग पदों के लिए नोटिस जारी किया गया है। ASASON असिस्टेंट केयर टेकर के लिए नोटिस जारी किया गया है। दूसरा आपको जूनियर क्लर्क के लिए किया गया है, और तीसरा आपको रिपोर्टर PA स्टेनो के लिए किया गया है, और यहाँ पे चौथा आपको लाइब्रेरी अटेंडेंस अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट के लिए किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में दो पोस्ट के लिए हम बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला आपको जूनियर क्लर्क के लिए और दूसरा आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इस चैनल पर बन रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और लोग के भी जानकारी हो सके। तो ये जो नोटिस हम डाउनलोड कर चुके हैं जूनियर क्लर्क के लिए, कनीय लिपिक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो विज्ञापन संख्या भी 2/2024, ये जो आपको जारी किया गया है बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया है। ठीक है, इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो नीचे बताया कि इसका जो आवेदन करने के लिए जो प्रक्रिया है 29 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर क्लर्क में, तब यहाँ पे 29 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 15 फरवरी तक रहने वाला है। पेमेंट करने का लास्ट डेट 17 जनवरी तक रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे और भी बात करेंगे इसमें, जो है ना आपको यहाँ पर देखेंगे तो वेतन स्तर से बताया कि वेतन स्तर आपको रहने वाला है 19,900 से लेके 63,200 तक आपको रहने वाला है। ऑनलाइन के प्रक्रिया में बता दें कि आप 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, और परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तिथि यहाँ पर 17 फरवरी तक रखा गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो वहाँ देखिए कोटि भी बताया है, किस कोटि में कितने यहाँ पर पद रहने वाला है। ठीक है, यानी कैटेगरी भी बांटा गया है कि किस कैटेगरी में कितना पदों की संख्या रहने वाला है। यहाँ पर देखिए अनारक्षित कोटि में 2 रखा गया, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 रखा गया। अनुसूचित जाति में 5 रखा गया है, अनुसूचित जनजाति में 0-0 रखा गया है। ठीक है, जितना भी कैंडिडेट अनुसूचित जनजाति से आते हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको आपके कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट नहीं रखा गया, आपको खाली रखा गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं उनको 7 रखा गया, पिछड़ा वर्ग के लिए 4 रखा गया। टोटल आपको 19 पद यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों का भारतीय नागरिक होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट परिषद या बोर्ड से किसी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप इंटरमीडिएट किसी भी विषय से पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको एज लिमिट के बारे में बताएंगे कि इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है। इसका जो उम्र सीमा का गणना किया जाएगा 1/8/2023 को 18 साल हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी 18 साल आपको होना चाहिए। समान कैटेगरी के लिए पुरुष के लिए 37 रखा गया, और समान कैटेगरी अनारक्षित यानी समान कैटेगरी महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया, और वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया। तो ये आपको एज लिमिट के बारे में बता दी। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको बताने वाले हैं और भी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको परीक्षा होने वाला है। ठीक है, उपर्युक्त पद के लिए 2 चरण में आपको परीक्षा ली जाएगी। बहुविकल्पीय OMR उत्तर पत्रक आधारित आयोजित होगी, जिसमें मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण की जांच लिया जाएगा। हिंदी एवं अंग्रेजी का आपको टाइपिंग भी लिया जाएगा, ये आपको बातों के ध्यान रखना है। ये जूनियर क्लर्क के लिए, ठीक है, ये जूनियर क्लर्क के लिए पद है तो आपको यहाँ पर टाइपिंग भी लिया जाएगा। यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के लिए बताया गया। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे नोटिस को डाउनलोड करके। यहाँ पर देखिए तो टंकन के बारे में बताया कि आपको जो टाइपिंग होगा, आपको टाइपिंग के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के लगभग 10 गुना संख्या के बराबर निर्धारित अर्हता प्राप्त करने के वाले अभ्यर्थियों का चयन टंकन जांच परीक्षा हेतु किया जाएगा। ये बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो नीचे लिखा है कि हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से
है, तो आपको जो है ना टाइपिंग के लिए आपको हिंदी के लिए ले जाएगा, आपको 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से करना है ना, यहाँ पे 10-10 मिनट का आपको होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टंकन में हुई गलतियों में 1.5 मानो 1.5% छूट अनुमान है, उक्त टंकन जांच परीक्षा कंप्यूटर पर, मानो आपको जो कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग ले जाएगा, जो आपको 10-10 मिनट आपको रखा गया है, अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। और ये आपको बता दें कि इसको जो आवेदन 15 फरवरी तक लिया जाएगा, पेमेंट करने का जो लास्ट डेट रहेगा 17 फरवरी तक रखा गया। यहाँ देखें तो परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया, ठीक है, कि अगर आप बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कैटेगरी के वर्ग के महिला एवं पुरुष हो के लिए उनको 600 रुपया देना होगा। वही बिहार राज्य में के बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपया आपको फॉर्म फी लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म फी चार्ज हो गया कि इसमें अप्लाई कीजिएगा तो कितने पर चार्ज लगने वाला है, तो यहाँ पर देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर क्लर्क के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। आप इसको बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा पोस्ट निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है अदर भी पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ना तो लिखा गया है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए अदर पोस्ट के बारे में बताया कि पुस्तक सबसे पहले लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, उसके बाद कार्यालय परिचारी हो गया दरबान, कार्यालय परिचारी माली हो गया, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी हो गया, ठीक है। ये आपको विज्ञापन संख्या भी देखने को मिल रहा है 04/2024, ये सभी आपको पद यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे, इसका भी आवेदन आपको प्रक्रिया लिया जाएगा 19 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा, इसका जो लास्ट डेट आपको रहेगा 15 फरवरी तक रहेगा आवेदन करने के लिए। अंतिम भुगतान पेमेंट करने के लिए तिथि रखा गया 17 फरवरी तक रखा गया। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में बात करें, इसमें योग्यता क्या मांगा गया, ठीक है। यहाँ पर देखें तो वेतन मान स्तर रखा गया 18,000 से लेकर 56,900 तक। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी में बांटा है कि इस कैटेगरी में कितने यहाँ पर पद रहने वाले। यहाँ देखेंगे तो पुस्तकालय परिचारी के लिए 06 वर्ग में 1 रखा गया है, ठीक है। कार्यालय परिचारी दरवान के लिए यहाँ पे आपको 2 रखा गया है, ठीक है, जो कि अनुसूचित जनजाति में 1 है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में 1 रखा गया। उसके कार्यालय परिचारी माली के लिए जो रखा गया है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 खाली आपको अनुसूचित जाति मान SC कैटेगरी में खाली आपको रखा गया। उसके बाद यहाँ पर सफाई कर्मी के लिए यहाँ पे अनारक्षित जनरल में 2 रखा गया है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS में 1 रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 रखा गया, पिछड़ा वर्ग में 1 रखा है। टोटल आपको 6 पद यहाँ पर आने वाला है, ये आपको सफाई कर्मी के लिए होगा। राज के यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनुसूचित में जाति में 2 रखा गया है और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 रखा गया है, पिछड़ा वर्ग में 1 रखा गया। टोटल आपको 4 यहाँ पद यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। जबकि पदों की संख्या बता दी और किस कैटेगरी में कितना रखा गया है। और यहाँ पर देखिए किसी भी राज्य से आते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक नोट में दिया गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो पद निकाला गया है इसमें बढ़ा भी सकता है या भी घटाया भी जा सकता है या बढ़ाया भी जा सकता है, यहाँ पर नोट में दर्शा दिया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष से अगर मैट्रिक पास भी है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में बात है कि इसमें एज लिमिट कितना मांगा है। इसमें जो है एज लिमिट 18 ही मांगा गया है, ठीक है। समान कैटेगरी से जो पुरुष आएंगे तो उनको 37 वर्ष रखा गया है और समान कैटेगरी में महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष रखा गया है। वहीं पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। ये आपको उम्र सीमा के बारे में बता दें और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए परीक्षा के आपको सिलेक्शन प्रक्रिया बताया गया। इसमें जो ऊपर सिलेक्शन प्रक्रिया जो बताया गया है उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भर्तियों साक्षात्कार लिया जाएगा जिसकी पूर्णांक 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेघा सूची तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा उत्तर
उत्तर पत्रक आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि इसमें जो है ना छात्र यानी इंटरव्यू के माध्यम से आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अगर 40,000 से अधिक इसमें आवेदन आते हैं, ठीक है, 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो फिर वहाँ पर आपको एक प्रारंभिक परीक्षा आपको लिया जाएगा, ये आपको क्लियर लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो और यहाँ पर देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है और उसके नीचे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ये सही पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी कम रखा गया है लेकिन यहाँ ना पोस्ट आपको बहुत बढ़िया रहने वाला, जो लोग 10वां पास किए हैं वो आवेदन कर सकते हैं इसमें। लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कार्यालय परिचारी दरबान का हो गया, माली का हो गया, ठीक है, सफाई कर्मी का हो गया, और ठीक है और आर्ट्स का हो गया। इसमें हम दो नोटिस के रिगार्डिंग हम बात किए हैं, पहला किए हैं कनीय लिपिक यानी जूनियर क्लर्क के लिए किए हैं और दूसरा बात किए हैं और दूसरा में बात किए हैं पुस्तकालय परिचारी, ये सभी पोस्टों के लिए हम बात किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं इसको जो आवेदन 29 जनवरी से किया जाएगा, जैसे इसका फॉर्म स्टार्ट होगा ऑनलाइन का तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उस वीडियो को देखकर अपना आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अभी पोस्ट के लिए अलग अलग निकाला गया है, अगर सभी पोस्टों के लिए आप अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर चले गए विधानसभा.bih.nic.in साइट पर चले गए तो आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें हम बात करें जूनियर क्लर्क के लिए और यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड अदर पोस्ट के लिए बात की। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में तो ही और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।